भारत में हो रही 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। देश विदेश से काफी लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ गई हैं। यहां पर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने अपने राय में अपनी टीम के बारे में लिखा है, अपनी टीम को जितवाया भी है। और इस प्रतिक्रिया में एक मशहूर खिलाड़ी, जी हाँ विश्व विजेता खिलाड़ी, उसकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उसने प्रिडिक्शन किया है, या यूं कहे कि उसने भविष्यवाणी की है। तो कौन है वो खिलाड़ी और उसने क्या प्रिडिक्शन किया है, हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। तो वो खिलाड़ी का नाम है ग्लेन मैकग्रथ। जी हाँ, ग्लेन मैकग्रथ, ऑस्ट्रेलिया के वही खिलाड़ी जिन्होंने अपनी टीम को 3 बार वर्ल्ड कप जिताया है और अपने टीम के लिए हमेशा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। वो कहते हैं कि इस बार जो टॉप 4 टीमें वर्ल्ड कप के लिए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी वो हैं इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। जी हाँ, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का नाम भी दिया है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमेशा से विश्व विजेता रही है और वो वहां के मूल निवासी भी हैं। तो हम आपको बता दें कि ग्लेन मैकग्रथ क्रिकेट की नॉलेज को अच्छी तरीके से जानते हैं, तो उन्होंने कोई बात हवा में नहीं की है। उन्होंने प्रॉपर एक स्टेटमेंट जारी करते हुए दावे के साथ ये बताया है कि ये टीमें इस बार क्रिकेट वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स में होंगी। तो क्या कहा है उन्होंने, हम आपको बताते हैं। आपको आश्चर्य नहीं होगा कि मैं ऑस्ट्रेलिया को उस 4 में रख रहा हूं। जाहिर है भारत अपने कंडीशन में खेल रहा है, इंग्लैंड बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेल रहा है और पाकिस्तान भी, ये 4 बेस्ट 4 हैं। तो ग्लेन मैकग्रथ, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि उन्होंने जाहिर तौर पे 4 टॉप क्लास टीम को ही सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करवाया है। जी हाँ, 4 टॉप क्लास टीम, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और इंग्लैंड। यहां पे पाकिस्तान की बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इस सीजन उनका परफॉर्मेंस काफी शानदार रहा है, उनके खिलाड़ियों का फॉर्म बरकरार रहा है और वो एक अच्छी टीम बनकर उभरी है। जी हाँ, जहां इंग्लैंड पिछली बार की विश्व विजेता है तो उनको हम कैसे भूल सकते हैं, उनको तो हमें रखना ही पड़ेगा लिस्ट में। और यहां पे ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने कोई शुगर कोटिंग नहीं की है, उन्होंने कोई फेवर नहीं किया है कि वो वहां के मूल निवासी है इसलिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का नाम दिया हो, बल्कि ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप अपने नाम किए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया अभी तक सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप विजेता है, एक विश्व विजेता है। यहां पे हम बात करें, अगर उनका कथन सही हो जाता है, अगर उन्होंने जो दावा किया है वो सही हो जाता है, अगर उनकी भविष्यवाणी सच हो जाती है, तो सोचो इंडिया पाकिस्तान 7 में होगी सेमीफिनाले में, तो कैसा माहौल होगा, कितना रोमांचक माहौल होगा, कितना मजा आएगा। दोस्तों, अगर ये माहौल सच में हो जाता है तो ये क्रिकेट के लिए एक बहुत अच्छा दिन होगा क्योंकि सेमीफाइनल, ऊपर से इंडिया पाकिस्तान का मैच, जिसे देखते ही बनता है। अब यहां पे हम बात करते हैं इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड के खिलाड़ियों में हमेशा से एक प्रतिभा दिखाई दी है और उन्होंने हमेशा से हर चीज के लिए फाइट किया है। यहां पे इंग्लैंड की बात अगर हम इतिहास उठा के देखें तो बहुत दुर्भाग्यशाली रहे, वो कभी वर्ल्ड कप ना जीत पाए, बट लास्ट टाइम वो वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, तो इस बार उनकी झिझक भी खुल चुकी है, तो इस बार वो एक दावेदार बनके उभरते हैं। पर मैं एज ए इंडियन तो यही चाहूंगा और आप भी यही चाहेंगे कि इंडिया ही वर्ल्ड कप जीते, क्योंकि बहुत टाइम से हमारे पास वर्ल्ड कप नहीं आया है। तो आप क्या सोचते हैं इस कथन से, ग्लेन मैकग्रथ की बात से, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और देखते रहें तूफान स्पोर्ट्स। और हां, तूफान स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।